जागो देशभक्तों जागो। आज पूरा देश जबरदस्त विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ है। देश के अंदर बैठे हुए गद्दार ही देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। अभी अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए जागो देशभक्तों जागो। संत रविनंदन दास महाराज के मुख से सुनिए देश के वर्तमान हालातों का सजीव चित्रण। के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म इस समय बड़ी डामाडोल स्थिति में है। चारों ओर दुश्मन तुम्हें घेर करके खड़े हैं, और आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। एक जयचंद ने भारत का इतिहास बदल दिया था। आज तो लगभग 25% हिंदू जयचंद हैं। आज के समय में कम से कम 25% हिंदू जयचंद हैं। आप कहीं से भी इतिहास निकाल करके देख लीजिए, बाहर के शत्रुओं ने कभी उतना नुकसान नहीं किया जितना भीतर के गद्दारों ने किया है। और जब एक एक दो दो गद्दार थे तब हम गुलाम हुए। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज लगभग 25% हिंदू गद्दार है। वो अपने धर्म का साथ नहीं दे रहा। हम आज तक नहीं समझ पा रहे कि हमारे हित में कौन है और अनहित में कौन है। मुझे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करनी है, लेकिन थोड़े दिन पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने जयपुर की रैली में कहा, हम हिंदूवादियों का खात्मा करेंगे। वो लड़का सिरफिरा बोला, हम हिंदूवादियों का खात्मा करेंगे, और सामने कम से कम 10-15 हजार हिंदुओं की भीड़ थी, एक भी गद्दार खड़ा नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है तू मूर्ख। तो हिंदुओं के सामने खड़ा होके, हिंदुओं की रोटी पर पल के, और कह रहे हम हिंदूवाद खत्म करेंगे, और लोगों ने तालियां बजाई, जी बहुत अच्छा बोला जी लड़का, बहुत अच्छा बोला। ये हालत है हिंदुओं की, जिनका अपने खानदान का पता नहीं वो हिंदूवाद पर उपदेश दे रहे हैं। अरे कम से कम अपना तो झांक के देखो, तुम है हो कौन वर्ण शंकर। पर हिंदू फिर भी नहीं समझ रहा। ये हमारी चुप्पी, ये हमारा मौन, ये हमारी निष्क्रियता कहीं अभिशाप ना बन जाए, इसलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। निष्क्रिय हिंदू जो अपने आप को इस समय कहता है ना, मैं किसी की तरफ नहीं हूं जी, हमने क्या लेना जी, ये निष्क्रियता श्राप बनेगी एक दिन, याद रखना। अगर समय पर गंधारी और धृतराष्ट्र क्रियाशील हो जाते तो 60-70 लाख लोगों की जान ना जाती। वो समय निष्क्रिय बनकर के बैठे रहे, हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे हाथ में क्या है जी, बस हो गया सत्यानाश। तो सबसे खतरनाक इस समय अगर हिंदू धर्म के लिए कोई है, वो निष्क्रिय हिंदू है, जो बिल्कुल कोई चिंता नहीं कर रहा अपने देश की, अपने धर्म की। तो निष्क्रियता त्यागो। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ज्यादा नहीं 10 मिनट कम से कम लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को समझाओ अपने धर्म की, देश की क्या महिमा है। 5-7 मिनट कहीं चर्चा करो, क्या जाता है चर्चा करने में से, क्या जाता है, चलो किसी की मानसिकता बन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विवियन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।